मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम निकल रहे हैं ऑफिस के काम से। कुछ काम है लखनऊ में जिसको हमको फटाफट निपटाना है, आज ही करना है, और थोड़ा लेट हो गए हैं तो निकलते हैं, फिर काम वगैरह करके आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग अभी आए हैं कपूरथला, जो कि अलीगंज में है। यहाँ पे हमारा थोड़ा कुछ ऑफिशियल काम है जिसको हम करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं, बहुत भागम दौड़ी है भैया, दो दिन से एकदम बिल्कुल आराम नहीं कर पा रहे हैं, कभी कुछ काम कभी कोई काम इसी में लगे हुए हैं। देखिए कब तक ये हमारा काम होता है। जिस दिन ऑफिस में, भाई मेरे लखनऊ में मैं रहता हूँ ना, दिन बहुत ही काम रहता है हमारे पास। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जिन लोगों को भाई सस्ते दामों पे प्रिंट आउट कराना हो या फिर और भी स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई भी काम हो, तो यहाँ पे कपूरथला पालिका बाज़ार में काफ़ी सस्ते रेट पे हो जाता है। ये मान के चलिए बहुत ही सस्ता है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको खुद ही उस चीज़ का आइडिया लगेगा। मैं तो सारा काम अपना यहीं से कराता हूँ। यहाँ पे आकर के आप बहुत सी दुकानें हैं देख रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पे आप अपना कोई भी काम स्टेशनरी से रिलेटेड करवा सकते हैं। ये मान के चलिए जो मार्केट में प्रिंट आउट वगैरह हमें 5 से 6 रुपये लेते हैं, वो यहाँ पर हमारा 70 से 80 पैसे में हो जाता है। डिपेंड करता है कि कितना आप प्रिंट आउट करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं। तो जिन लोगों को भी प्रोजेक्ट बनाना हो, थेसिस बनाना हो, या और ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम हो अगर करवाना चाहें तो यहाँ पे आप करवा सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, आप और भी जगह पता कर सकते हो, बट मुझे ये यहाँ पर सबसे सस्ता लगता है। बाकी आपकी मर्जी, जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ करें, ठीक है, ओके। फाइनली शाम के 5 बज चुके हैं भैया, दिन भर घूमने के बाद अब घर आ पाए हैं। बहुत छोटा एक काम था, जिस सर का साइन लेना था वो थे नहीं, अगर वो होते तो शायद जल्दी आ गए होते, लेकिन क्या कहा जाए, काफ़ी देर वेट करने के बाद वो आए, तब जाकर उनसे अप्रूवल लिया गया, तब जाकर के हमारा काम हो पाया ऑफिशियल। उसके बाद अभी घर आए हैं। ये देखिए घर का क्या हालत, पीहू जी ने कबाड़ा बना दिया है पूरा। ये पीहू पांडे की कारिस्तानियाँ हैं, देखिए इनका ये हाथी इसे पड़ा हुआ है। पीहू कहाँ हो, ये देखिए मोबाइल देखते हुए, ये इनकी अलग कहानी है भाई। ये देखिए, ये छोटा छोटा बाबू मेरा, क्या कर रहा है? अरे भाई, पापा को मिस किया था कि नहीं बेटा मेरा? हाँ क्यों? अरे भाई पूछ दो लो, कुदू कुदू खाली कर रहे हो तुम बेटा। बाबू देखो इधर, नहीं देखेंगे अपना ये अभी शेर निराला देख रहे हैं बुजी हैं पीहू पांडे। पीहू, अरे मेरा कुदूर कुदूर, चलो रखते हैं, बाद में बात करते हैं जी। फाइनली हम लोग डॉक्टर के पास फिर आ जाए हैं चित्रा जी का कान दिखाने के लिए। वो देखिए दूर खड़ी है, लगता है इनको भी कैमरा से हो गया है, ठीक है, दिखाते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग डॉक्टर को दिखा कर तो वापस आ गए हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि संडे के दिन तो कहीं और गए थे और आज कहीं और आए थे। चित्रा के कान का ऑपरेशन दो दो डॉक्टर मिलकर कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, एक ही डॉक्टर है, वो उनका घर था और ये यहाँ पे इनका एक क्लिनिक है, ठीक है। एक अजीबोगरीब बात ये भी लगी, जनरली हम लोग दवाई डॉक्टर लिखते हैं तो कहते हैं सुबह खा लीजिएगा, शाम को खा लीजिएगा या दोपहर में खा लीजिएगा। यहाँ पे है कि डॉक्टर सुबह 11 बजे, दोपहर में 11 बजे खाइएगा दिन में, और 3 बजे खाइएगा, 6 बजे खाइएगा, 8 बजे खाइएगा। वैसे तो हम लोग कभी दवाई ही नहीं खाए थे जैसा ये कान के डॉक्टर साहब लिखते हैं। खैर कोई बात नहीं,
फाइनली आज इनका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर साहब ने बोला है तब आना है, तो अब दवा खा के रेस्ट कर लिया आराम से घर में, ठीक है। तो चलते हैं घर, हम मिलते हैं वहीं पे। पीहू जी को देखिए ये क्या कर रही है, ये डॉक्टर साहब के चैम्बर में घुस गई थी और वहीं पर जाकर के टाटा धैया करने लगी। पीहू जी इसके परमिशन से आप घुसी थी ये तो बता दीजिए, नहीं बोलेंगी, कैमरे के सामने आने पे ये बहुत शरीफ इंसान बन जाती हैं। वैसे इनकी हरकतें अगर आप देखेंगे ना तो कहेंगे भैया ये तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं घर पहुंचने के बाद। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, रात के 7:45 बज गए हैं भाई, सुबह का निकले आए हैं, आज दिन में खाना भी नहीं खा पाए हैं हम। ये देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा चित्रा जी का है, बहुत प्रसन्न है क्योंकि इन्होंने जब कान में खोदा खादी की थी ना वो आज ऑलमोस्ट भर गया है। पीहू जी को देखिए ये क्या कर रही है भाई, क्या कर रही है पीहू जी, इनकी कारिस्तानियाँ देखिए भैया। ये तो बेटी मेरी दरवाज़ा बंद करने में लगी है, कोई ना अंदर आए। पीहू पीहू देखो, अरे भाई ये झा झा कर रही है, झा झा, अरे भाई मेरा छोटू छोटा बाबू क्या कर रहा है। इनकी मुस्कुराहट ही नहीं खत्म हो रही, बे लाफिंग गेस्ट सुन लियो का, चलो जाओ चाय वाय बनाओ फर्स्ट क्लास, पिया जाए और पकौड़ी, ठीक है फिर मिलते हैं बाद में। हेलो गाइस, हम लोगों का खाना पीना हो गया है, मैंने भी खा लिया है, पीहू ने भी खा लिया है, उनकी माता जी का भी नहीं हुआ है। ये जब हम लोग का सोने का टाइम होता है ना तब पीहू जी के खेलने का टाइम होता है, समझे। रात में ये 8:30 बजे रोना चालू कर देंगी, भैया इनको सुलाओ, देखिए उसके बाद आधा घंटा ये सिर्फ सोती हैं और रात में फिर ये नॉन स्टॉप 1:30 बजे रात तक ये खेलती रहती हैं, इनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर इनके साथ इनको रोका जाए तो ये सिर्फ रोने लगती हैं और कुछ नहीं करेंगी, इनका जो ब्रह्मास्त्र है वो रोना है और नहीं इतना परेशान कर देंगे कि आप खुद ही छोड़ देंगे इनको। देखिए अभी देख ही सकते हैं, पीहू जरा रिमोट दो बेटा, तो रो दो, देखो देखिए राजधानी की चाल में चलती है भाई, एक हाथ फ्रैक्चर हुआ है लेकिन फिर भी रुकती नहीं है, तो चलना चालू क्या ये दौड़ती हैं ये। देखिए अभी इनकी बदमाशी देखिए, ये देखिए मैंने म्यूट किया था इन्होंने अनम्यूट कर दिया रिमोट से, इंटेलिजेंट बच्चे हैं आजकल के 5G जमाने के हो गए हैं ये। देखिए चैनल वैनल सब चेंज कर लेती हैं ये, ये देखिए तारक मेहता लगाए थे तो ये पता नहीं कहाँ लगा दी, भैया छोड़ दो हम 134 नंबर लगाए थे ये 100 नंबर लगा दिए, ये पुलिस पुलिस को बुलाओगी का, चलो ये नंबर फोन का नहीं है भैया कम से कम ये चैनल नंबर है, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा बटन दबा देंगी कोई भरोसा नहीं है। पीहू बाबू देखो इधर, अभी टीवी देखने में व्यस्त हैं, 2 मिनट देखेंगी उसके बाद से फिर एक्टिव हो जाएंगी और एक्टिव होकर के अपना खुरा खाती चालू कर देंगी। अभी देखिए हंस रही हैं ये, अरे भाई छोटा छोटा बाबू हंस रहा है क्या, इधर देखो आजा भाई, अरे भाई बेटा मेरा ये थूक बहुत ही रहती है लार इनका, पता नहीं कहाँ से इधर आता है भगवान, आजा भाई आजा मेरा बेटा, आजा मेरा राजा बेटा, इधर देखो अभी टीवी देखने में व्यस्त है पीहू। ये देखिए बाबू बाबू खाना तो खा ली, मल्लू मल्लू भी तुम्हारा हो गया, पापा भी खा लिया, अब निन्नी आ रही, चलो सो जाए, सुबह ऑफिस भी जाना है हमको, तुम तो तान के सोओगी, सुबह 10:30-11 बजे सो के उठोगी, पापा को जल्दी उठना रहता है, कैसे उठेंगे पापा बताओ हुँ? इनको सुबह जगाओ ये जगाते रह जाइए, अगर इनका टाइम नहीं हुआ है ये जग नहीं सकती हैं ये, चाहे आप जो कर दीजिए, रात में ये सोएंगी नहीं जल्दी, यही इनकी दिनचर्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं पीहू जी कब आज सोती हैं, तब तक हम ही लोग ट्राई करते हैं, चलिए आप लोग भी सोइए, गुड नाइट बाय
अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।